गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम सितंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इस मंथ की हर इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टेट की न्यूज हो, साइंस एंड टेक रिलेटेड हो, एनवायरमेंट की न्यूज हो, स्टेट स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, इम्पोर्टेंट डेज हो, हर चीज। सो लेट्स बिगन। सबसे पहले नेशनल न्यूज देखते हैं। नेशनल न्यूज में जो पहली न्यूज है वो है संकल्प सप्ताह। तो संकल्प सप्ताह, सप्ताह क्या होता है, जैसे हिंदी का जो वीक है, हिंदी में जो आप वीक को क्या बोलते हो, सप्ताह, यानी कि सात दिन। ये एक हफ्ता, एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम था किसके लिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि संकल्प सप्ताह जो है वो किसके लिए है, वो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए है, यानी कि ब्लॉक लेवल पर है। सिंपल आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है, पंचायत लेवल पर है। तो बहुत छोटी छोटी जो बारीक चीजें होती हैं उसको ध्यान से देखिएगा। संकल्प सप्ताह जो है, ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम है उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, कि एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को अच्छी तरह से, सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके साथ ये लिंक्ड है। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम जो है ये 7 जनवरी 2023 को लॉन्च किया था पूरे देश में। इसका एम क्या था, ब्लॉक लेवल पर गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, सो दैट जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, वो अच्छी लाइफ जी सके। ये 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे देश में, जो की 329 जिलों में फैले हुए हैं। चिंतन शिविर भी इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो जो चिंतन शिविर है, यहाँ पर मेंशन्ड है चिंतन शिविर जो है वो गांव के लेवल पर होंगे और ब्लॉक लेवल पर होंगे पूरे देश में, सो दैट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाया जाए, इफेक्टिव ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को बनाया जाए। संकल्प सप्ताह जो है इसी चिंतन शिविर का ही कल्मिनेशन है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जो संकल्प सप्ताह है ये 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में धीरे धीरे सभी में ऑब्जर्व किया जाएगा। हर दिन संकल्प सप्ताह के हर दिन, जो कि 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर वाला हफ्ता है, उसमें हर दिन क्या है, अलग अलग थीम जो है उसको डेडिकेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 अक्टूबर को अलग थीम होगा, 4 अक्टूबर को अलग थीम होगा, ऐसे डे वाइज थीम वाइज होगा। तो जो पहले 6 दिन है उनके थीम्स क्या होंगे, संपूर्ण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के रिलेटेड। सेकंड है सुपोषित परिवार, सुपोषित मतलब न्यूट्रिशन के रिलेटेड। थर्ड है स्वच्छता, क्लीनलीनेस के। फोर्थ है कृषि, कि ये जो खेती है उसके साथ। फिफ्थ है शिक्षा, एजुकेशन के साथ। देन है समृद्धि दिवस, कि लोगों में हर चीज क्वालिटेटिव हो। लास्ट डे है जो 9 अक्टूबर, वो पूरे काम की सेलिब्रेशन होगी, पूरे हफ्ते में जो काम है उसको संकल्प सप्ताह समावेश समारोह, समावेश समारोह मतलब कंप्लीशन हुआ है अच्छे से, उसको इस रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये पीआईबी से उठाया गया है, इसका सोर्स है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। आप गूगल कर सकते हो, आपको डायरेक्टली पीआईबी पे सारी चीजें मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं क्रियो फॉर गुड की। ये इनिशिएटिव क्या है, ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लॉन्च किया है क्रियो फॉर गुड। ये एक नया ऑनलाइन बोर्ड में है, लाइफ स्किल लर्निंग मॉड्यूल्स है, लाइफ बेस्ड स्किल्स लर्निंग मॉड्यूल है, सो दैट गर्ल्स में और बॉयज में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, कि दोनों जेंडर्स क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इसमें 8 क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म्स होंगी, सो दैट जो जेंडर गैप है उसको हम जो है कब रिमूव कर सके, एक गर्ल्स को क्या है लाइफ स्किल्स की तरह देख सके, उसकी पार्टिसिपेशन जो है स्पोर्ट्स में, खेल में इनकरेज कर सके। ये जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ एंड बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इनकी सभी ने एक एसोसिएशन में मिलकर किया है लॉन्च। क्रियो फॉर गुड मॉड्यूल जो है गर्ल्स को, गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने का मीडियम होगा और जेंडर इक्विटी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करेगा। ऐसी जो एग्जांपल्स होती हैं वो भी आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। इसमें 8 मॉड्यूल होंगे जिनके थीम्स क्या होंगे, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन, एम्पैथी, टीम वर्क एंड गोल सेटिंग।
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, आपको पता होगा कि 2023 की जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी, जिसकी रिसेंटली बिजनेस समिट जो होती है, जो मेन समिट होती है G20, वो हुई थी दिल्ली में। तो उसी के दौरान जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 के लिए जो G20 प्रेसिडेंसी थी वो साउथ अमेरिका के ब्राजील को दी गई है। सो दैट G20 की जो प्रेसिडेंटशिप होगी वो किसके पास होगी, प्रेसिडेंसी किसके पास होगी, ब्राजील के पास 2024 के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का जो प्रेसिडेंसी थी G20 की, उसका थीम क्या था, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसकी डिटेल्स देखते हैं। सो जो ये थीम है ये कहां से लिया गया है, जो महाउपनिषद है वहां से लिया गया है। ये जो है महाउपनिषद, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, याद रखना है। देन जो थीम है ये क्या करता है कि सभी जो लाइफ है उसकी वैल्यू है, ह्यूमन है, एलिफ है, एनिमल है, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर चीज, और सभी इंटरकनेक्टेड है अर्थ पे और यूनिवर्स में। ये जो थीम है ये लाइफ को भी स्पॉटलाइट करता है। लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस होंगी, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, सो दैट हम ग्लोबल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस ले सकें एक क्लीनर, ग्रीनर और ब्लूअर फ्यूचर के लिए। जो क्लीनर है स्वच्छता, ग्रीनर मतलब कि सस्टेनेबल हो एनवायरमेंट के लिए, ब्लूअर होता है जो वाटर के साथ आपको रिलेटेड है, क्योंकि अपनी अर्थ पे जो है 71% के आसपास क्या है, वाटर है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका आप लोगो भी यहाँ पर देख सकते हो, वासुदेव कुटुंबकम यहाँ पर लिखा हुआ है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। आगे बात करते हैं, इसी मीटिंग में जो जो हमारा भारत मंडपम था उसके बाहर एक तो नटराज जी का स्कल्पचर लगाया गया था और एक था जो डांसिंग गर्ल है जो मोहनजोदड़ो में उसका रेप्लिका। तो दोनों के बारे में फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। ये जो नटराज है ये अष्ट धातु से बना था, यानी कि 8 मेटल से बना था, और किसने बनाया था, स्वामी मलाई स्कल्पचर्स हैं तमिलनाडु के, उन्होंने बनाया था। और जो नटराज आइडल है शिवजी का चोला टेम्पल्स में, उसी से ही इंस्पायर्ड था। जो नटराज फॉर्म है शिवजी भगवान की है, जो कि एक कॉस्मिक डांसर है, ये चोलास के अंदर जो है आइकॉनिक बना और ब्रॉन्ज स्कल्पचर, अपने ब्रॉन्ज इंट्रिकेट ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए जाना जाता है। इस फॉर्म में शिवजी भगवान जी को लॉर्ड ऑफ डांस या नटराज जो बोला जाता है, वो उनकी क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जो यूनिवर्स है इन्हीं ने बनाया है और हर चीज डिस्ट्रक्टिव है, दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। नटराज इमेज जो है वहां पर उसके आसपास आप देख सकते हो, ये होलो है, फ्लेमिंग होलो, एक राउंड जो होलो हेलो है, चार इसकी आर्म्स है, ये एक ड्रम है इसके एक इनके एक हाथ में जो डमरू होता है ड्रम है, ऊपर वाले हाथ में यहाँ पर आपको पिक्चर नहीं क्लियर दिख रही होगी, फायर होती है जो कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट से डायरेक्टली रिलेटेड, अपनी एनसीईआरटीज की बुक्स में भी आप पढ़ सकते हो, 11th की जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है उसमें नटराज पर अलग से पेज जो है प्रॉपर टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद इनके पैर के नीचे क्या है, एक ड्वार्फ लाइक फिगर है जो इल्यूजन रिप्रेजेंट करती है, जो ये क्रश करते हैं, यानी कि जो ह्यूमैनिटी है उनको गाइड करते हैं कि आपको माया से दूर रहना चाहिए, डिल्यूजन से दूर रहना चाहिए। देन है डांसिंग गर्ल की फिगरिंग जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से उसी का रेप्लिका बनाया गया था, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये जो डांसिंग गर्ल फिगरिंग है मोहनजोदड़ो से 1926 में अर्नस्ट मैके नाम के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर की थी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड अर्बन सेटलमेंट थी मोहनजोदड़ो। ये जो फिगरिंग थी डांसिंग गर्ल की ये भी ब्रॉन्ज की बनी हुई थी और लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करके बनी हुई थी। इसके बारे में भी आप अपनी डिटेल में एनसीईआरटी में जरूर देखिएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो सिंपल लॉस्ट वैक्स टेक्निक गूगल पे टाइप करके उसके बारे में पढ़िएगा। इससे क्या होता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको एक स्टोरी क्लियर है, तो आप क्वेश्चन को इजिली जो है ध्यान में आप उसको रिमाइंड कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो एग्जाम में। आगे बात करते हैं, इसी की जब मीटिंग हो रही थी G20 समिट की, तो एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर। क्या हुआ है, G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंटली इंक्लूड कर लिया है और ये G21 बन गया है।
ये जो मूव था इंडिया ने ही प्रपोज किया था, सो दैट ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया जाए। ग्लोबल साउथ क्या है वो भी अपकमिंग स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ बहुत कॉमनली टर्म्स होती है लेकिन स्टूडेंट्स को आमतौर पर पता नहीं होता। तो ग्लोबल साउथ क्या है अपकमिंग स्लाइड में मैं आपको वो भी बताऊंगी। इससे पहले आप ये देखिए कि अफ्रीकन यूनियन क्या है। अफ्रीकन यूनियन 55 डाइवर्स मेंबर कंट्रीज से बनी है, जो कि दुनिया के 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो है, G20 ग्रुप है जो दुनिया की 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज का, उसको ये ज्वाइन कर लिया है। प्रधानमंत्री जी ने, इंडिया के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस डेवलपमेंट को बोला है कि ये प्लैनेट के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, इंक्लूजन और एक्नॉलेजमेंट है सभी वॉइसेस की, उसको रिप्रेजेंट करता है। G20 की अगर बात करें, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसके 20 मेंबर्स हैं। वर्ड्स ध्यान से सुनिएगा, 20 मेंबर्स हैं, लेकिन कंट्रीज की अगर बात करेंगे तो 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब G21 हो गया है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी बन गया। G20 में पहले कौन कौन से मेंबर्स थे? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनेडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की यानी कि टर्की को जो पहले बोला जाता था टर्की, उसको अब तुर्की बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये है अफ्रीकन यूनियन, इसमें 555 मेंबर नेशंस है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ये आपको दिखाया हुआ है दोनों में। इसकी मैं PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहां पर आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग की। ये क्यों बात कर रही है, क्यों? क्योंकि G20 की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में भारत मंडपम में, वहां पर जो लीडर्स थे, जो हेड ऑफ स्टेट्स थे, उनके जो स्पाउस थे, चाहे किसी के वाइफ थे चाहे किसी के हस्बैंड थे, उनको हमारे देश की ओर से प्रधानमंत्री जी ने चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग जो है वो उनको दी है, भेंट की है। तो इसकी पहले का पिक्चर देख लीजिए, ऐसी होती है ये चेरियाल पेंटिंग का एक सैंपल आपको दिखाया हुआ है। इसमें क्या होता है, लोकल मोटिव्स में बहुत ज्यादा हाईली रिच होती है और ये तेलंगाना राज्य की एक यूनिक फॉर्म है जो कि मोस्टली आजकल हैदराबाद में मिलती है। ये जो पेंटिंग है, नरेटिव फॉर्मेट होता है इसमें, एक फिल्म रोल की तरह एक कॉमिक स्ट्रिप होती है, स्टोरी डिपेक्ट करती है इंडियन माइथोलॉजी से, चाहे कोई पुराणस हो, एपिक्स हो, महाभारत, रामायण, शिव पुराणम, मार्कंडेय पुराणम, ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे पूरी प्रॉपर स्टोरी दिखाई जाती है पेंटिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने G20 के टाइम ही एक रिकॉर्ड सेट किया है, क्योंकि इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है मोस्ट एम्बिशियस रही। क्यों? क्योंकि अगर आउटकम्स देखो, ये भी सबसे ज्यादा रहे इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर, एनेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी, और टोटल 112 हुए। एनेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो भी प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें हर चीज मेंशन होती है, 112 आउटकम्स है और प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट को मिलाकर इंडिया की जो बाकी प्रेसिडेंसी है प्रीवियस प्रेसिडेंसी से ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, इंडिया का एक हिस्ट्री एक रिकॉर्ड बना है। इसी के टाइम इंडिया ने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया, जिसमें 19 कंट्रीज और 12 ग्लोबल बॉडीज ने अग्री किया है कि वो ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया के द्वारा लीड किया गया एक इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट्स की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज की एक अलायंस बनाई जाएगी बायोफ्यूल को अपनाने के लिए। इसका एम क्या है, बायोफ्यूल को एनर्जी ट्रांजिशन की तरह वो करना और जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करना। इंडिया, ब्राजील और US ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो इंडिया क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया के साथ साथ US और ब्राजील भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। एम यही है कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स में हमने ट्रांजिशन करनी है, उसको फास्ट किया जाए, और जो हमारी डिपेंडेंसी है, हम फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है, उसको कम किया जाए, सो दैट पॉल्यूशन कम हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो। जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये सेकेंड इंडिया लेड मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद, जो कि 2015 में पेरिस COP21 में लॉन्च किया गया था। इसी फील्ड में बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जो बायोमास से डिराइव होते हैं, जैसे जो फसलों का स्टबल होता है, प्लांट्स का वेस्ट होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
इसी के बाद G20 की उसके बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात चली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया, मैं हाईलाइट जब चेंज करती हूँ एक मिनट, ये इंडिया है। इसमें क्या होगा, दो पार्ट होंगे, एक होगा ईस्ट कॉरिडोर, एक होगा नदरन कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर क्या करेगा, इंडिया को अरेबियन गल्फ के साथ कनेक्ट करेगा, अरेबियन गल्फ के साथ इंडिया को कनेक्ट करेगा ईस्ट कॉरिडोर। देन इसको आगे यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा नदरन कॉरिडोर। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूएसए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका एम क्या है कि इन देशों में सभी में एक तो बिजनेस को, ट्रेड को बढ़ाया जाए, जो भी इन्वॉल्व कंट्रीज है उसमें एनर्जी प्रोडक्ट्स की भी जो ट्रेड है ज्यादा हो। ईस्टर्न कॉरिडोर मैंने आपको अभी बताया, इंडिया को गल्फ रीजन से कनेक्ट करेगा और नदरन गल्फ को आगे यूरोप से कनेक्ट करेगा। इसमें रेलवे, शिप, रेल ट्रांजिट नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट, सभी चीजें इंक्लूडेड होंगी। आगे बात करते हैं ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ के लिए। ये इंडिया और यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। इसका एम क्या है, जो ग्लोबल साउथ है उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। गोल यही है, इंडिया की डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई, एक्सपर्टीज हो गई, उसको शेयर करना, सो दैट पूरा जो ग्लोबल साउथ है इससे फायदा ले सके। ये क्या है, एक इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन द फॉर्म ऑफ इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, उसकी फॉर्म में भी होगा, जो कि एक पोर्टफोलियो डेवलप किया है जिसने 75 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का टोटल 61 देशों में पिछले 6 सालों में। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसकी जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ये भी इसमें पार्टनरशिप कर रही है, सो दैट इंडिया की जो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है उसका फायदा ले सके बाकी सभी देश भी, और हम पूरे ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट में इससे क्या है फायदा दे सके। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बोला था कि ग्लोबल साउथ भी हम डिस्कस करेंगे, तो ग्लोबल साउथ क्या है, ऐसे देश आप इस मैप में देखिए, ये वर्ल्ड मैप को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को। इससे के जो लोअर वाला पोर्शन है ये वाला, ये है ग्लोबल साउथ, और ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है ग्लोबल नॉर्थ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, ग्लोबल साउथ ऐसे देशों को, ऐसे रीजन को बोला जाता है जो कंपैरेटिवली ग्लोबल नॉर्थ के कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड है, जहां पर पॉवर्टी ज्यादा है, जहां पर इनकम इनक्वालिटी ज्यादा है, यानी कि गरीबी ज्यादा है, डेवलपमेंट कम है, कंपैरेटिवली जो है पैसा कम है इन देशों में। ये मोस्टली जो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, ये जो है इस कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है ग्लोबल साउथ। और जो ऊपर वाला है ये कंपैरेटिवली रिच है, कंपैरेटिवली क्या है, अमीर देश है, जो कि आप बोल सकते हो ऊपर जो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका इस वाले फील्ड में फैले हुए हैं। तो आई होप आपको ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का भी डिफरेंस पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं, हमारी सरकार रिसेंटली साइमल्टेनियस इलेक्शन पोल्स की बात कर रही है। तो साइमल्टेनियस पोल्स क्या है, साइमल्टेनियस पोल्स का इलेक्शन का ये मतलब है कि जब भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, आपको पता है ना, आप एमपी की वोट देने जाते हो, फिर आप एमएलए की वोट देने जाते हो, वो हमेशा सेम टाइम पे नहीं होती। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो चाहती है कि हम साइमल्टेनियस पोल्स वो इंट्रोड्यूस करें कि एक ही बार में लोकसभा की और स्टेट असेंबलीज की इलेक्शंस हो। तो गवर्नमेंट का ये आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन प्लान, उसी की फिजिबिलिटी की प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकल में, तो उसके लिए फॉर्मल हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंडर एक उन्होंने कमेटी बनाई है, पैनल बनाया है, जो इस चीज को स्टडी करेगा कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की अगर सिंक्रोनाइजेशन हो, इकट्ठा कर दिया जाए गिवन स्पैन ऑफ टाइम में, तो क्या वो पॉसिबल है। अभी करंटली क्या स्टेटस है, सिर्फ कुछ ही स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, जो कि लोकसभा पोल्स के साथ इलेक्शंस उनकी होती हैं, बाकी में अलग होती हैं। तो लेट्स सी क्या होगा, लेकिन आपको ये पैनल का जो है ये ध्यान रखना है कि रामनाथ कोविंद पैनल क्यों बनाया गया, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन प्लान की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा पैनल बनाया गया। आगे बात करते हैं आरोग्य मैत्री क्यूब की। ये क्या है, ये वर्ल्ड का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल है जो कि इंडिया ने बनाया है।
क्योंकि इंडिया ने बनाया दुनिया का पहला है, एक अलग चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? एक ऐसा आप बोल सकते हो हॉस्पिटल टाइप है जो कि हम बाय एयर लिफ्ट करके उसको अलग जगह पर जाकर असेंबल कर देंगे 72 क्यूब्स में, जो कि एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज वगैरह जो है उसमें होंगी। 200 सर्वाइवर्स तक सपोर्ट करेगा। अगर कहीं भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड्स आ गए, कोई क्राइसिस हो गया, वहां पे इसको आरोग्य मैत्री क्यूब का नाम दिया गया है, जो कि प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर बनाया गया है। भीष्म की क्या फुल फॉर्म है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इसमें 3 फ्रेम होंगे जिसमें 12-12 मिनी क्यूब्स होंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के दीक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, ये पर्सनलाइज्ड एडाप्टिव लर्निंग को पहले जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, उसमें क्या है इकट्ठा कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है। जो पर्सनलाइज्ड एडाप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर है, इसके बेस्ड जो अप्रोच है, ये क्या करेगी, हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को एक इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देगी। यानी कि मान लो 2 स्टूडेंट है, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग होंगी, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस में यही होगा कि करिकुलम बेस्ड के कोर्स उनकी यूनिक जो नीड्स है, उनकी यूनिक एबिलिटीज के अकॉर्डिंग होगा। दीक्षा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्कूल्स के लिए ई कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट प्रोवाइड करता है ऑनलाइन पोर्टल पे और एक मोबाइल एप्लीकेशन पे, सो दैट लर्नर्स को विजुअल या हियरिंग चैलेंजेस हैं जिनको, उनको असिस्ट कर सके। दीक्षा एक स्टैटिक कंटेंट रिपोजिटरी है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, स्टैटिक कंटेंट मिलता है आपको। दीक्षा क्या है? डिजिटाइज्ड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT टेक्स्ट बुक्स को फीचर करती है डिजिटाइज्ड फॉर्म में, जो कि नेशनल और स्टेट बोर्ड यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, रिसेंटली पहली WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुई थी 2023 की, कहां पर? इंडिया के गुजरात में। उसकी आउटकम क्या निकली? गुजरात डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट इसने रिफर्म किया कि ग्लोबल लेवल पर हम अपनी कमिटमेंट शो करते हैं इंडिजिनियस नॉलेज के टूवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के टूवर्ड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंपली पूछ लिया जाएगा गुजरात डिक्लेरेशन किसकी है, तो ये WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुई है जो गुजरात में, उसी का आउटकम डॉक्यूमेंट है। जो क्या करेगा, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए पर्सनलाइज्ड अप्रोच वो करेगा, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होगा। गुजरात डिक्लेरेशन क्या है, एफर्ट्स को स्केल अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए बात करती है, सो दैट हम एविडेंस बेस्ड जो है ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट कर सके अप्रोचेस को। पहली ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ये WHO ने ऑर्गेनाइज की है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने को होस्ट की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 17th और 18th अगस्त के बीच में हुई थी गुजरात के गांधीनगर में। आगे बात करते हैं, दुनिया का फर्स्ट काउंटर ड्रोन लॉन्च हुआ है, ये भी इंडिया ने लॉन्च किया है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोनोमस एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड किया गया है। एक हैदराबाद बेस्ड फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स नाम की, उसने डेवलप किया, जिसका नाम है इंद्राजल। तो इंद्राजल याद रखना है, ये पहला काउंटर ड्रोन है। ये क्या है, इंडिया का भी नहीं पूरे दुनिया का पहला है काउंटर अनमैन्ड क्राफ्ट सिस्टम है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर कोई भी चीज, कोई खतरा मूव कर रहा होगा जो हम स्टैटिक डिफेंस सिस्टम से नहीं टैकल कर सकते, उसके लिए ये यूज किया जाएगा। ये मिनी, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो ड्रोन्स है, सबसे जो है आपको प्रोटेक्शन देगा इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंद्राजल क्या है, इंद्राजान। आगे बात करते हैं आयुष्मान भव हेल्थ सिस्टम की। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने आयुष्मान भव कैंपेन जो है ये इनॉग्रेट किया था। ये क्या था, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस, सभी हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके, सबको अवेलेबल हो, सबको ये कवरेज दी जाए, चाहे गांव हो चाहे टाउन हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी इंसान हेल्थ सर्विसेज से डिप्राइव ना रह जाए, कि कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसको हेल्थ सर्विसेज ना मिले। ये जो कंपेन है कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा लीड किया जाता है इन कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, लोकल इलेक्टेड बॉडीज, हर चीज। इसमें क्या है, 3 प्राइमरी कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से,
आयुष्मान आपके द्वार 3.0, ये क्या है, हेल्थ सर्विसेज को आपके द्वार मतलब आपके घर पे डायरेक्टली जो है हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी। सेकंड है आयुष्मान मेलाज, ये क्या है, मेला टाइप लगाए जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे, कम्युनिटी सेंटर्स पे लोगों को हेल्थ सर्विसेज अवेल करवाने के लिए। देन है आयुष्मान सभा, सभा क्या होती है, एक असेंबली की तरह हर गांव में हर पंचायत में होगी डिस्कशंस और इनिशिएटिव्स के रिगार्डिंग। आगे बात करते हैं 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, ये पहला बिल है जो कि नया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको लोकसभा ने राज्यसभा ने सबने जो है पास कर दिया है। इसका एम क्या है, जो लोकसभा है और स्टेट असेंबली की इलेक्शंस है वहां पर 33% कोटा 33% रिजर्वेशन किनको देना, वुमेन को। तो 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का यही एम है कि 1/3 जो है वुमेन को रिजर्वेशन दी जाएगी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। ये जो बिल है इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ये बिल सभी इंडियन स्टेट्स में लागू होगा। इसमें सब रिजर्वेशन जो है एससी एसटी एंग्लो इंडियंस की वो 33% कोटा के विदिन ही होंगी, यानी कि 33% कोटा में भी आगे जनरल कैटेगरी एससी एसटी एंग्लो इंडियंस जैसे दी जाएंगी। और सभी स्टेट्स और यूटीज को क्या है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रोटेशन बेसिस पर सीट्स दी जाएंगी और ये अभी 15 सालों के लिए रिजर्वेशन जो है दी गई है। आगे बात करते हैं यूएन सिट्रल की, ये इंडिया ने होस्ट किया है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। ये क्या है, यूएन जनरल असेंबली की एक सब्सिडरी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करवाने के लिए हेल्प करती है। इसके हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया के वियना में। आगे बात करते हैं स्किल्स ऑन व्हील्स की, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एंड लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने मिलकर स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें एनएसडीसी एंड इंडसइंड बैंक ने भी जो है कोलैबोरेट किया। इसके अंदर क्या किया जाएगा, 60,000 यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी, एम्पावर किया जाएगा अगले आने वाले 5 सालों में। होगा क्या, जो गाँव के हाउस होल्ड है उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जाएगा, लोगों को इंडस्ट्री के रेलेवेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, सो दैट जो लोगों के पास स्किल है और जो इंडस्ट्री को चाहिए उसमें जो गैप है उसको एड्रेस किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिले हैं इंडिया में दो आप बोल सकते हैं प्लेसेस को। यूनेस्को की मीटिंग हुई थी 42nd हेरिटेज साइट की, कहां पर हुई थी, सऊदी अरेबिया के रियाद में, सॉरी 45th सेशन हुआ था। तो 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है इंडिया की, कौन सी, होयसाला टेम्पल्स जो कि कर्नाटका में है। इसको बनाया कब था, 12th और 13th सेंचुरी, 12वीं और 13वीं शताब्दी में किसने, होयसाला राजों ने, होयसाला डायनेस्टी के राजा ने। ये जो टेम्पल्स हैं कर्नाटका के बेलूर हेलबीडू और सोमनाथपुरा में लोकेटेड है। आगे बात करते हैं शांति निकेतन जो कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। ये क्या है, एक आश्रम की तरह जो इसकी स्थापना की गई थी 1863 में, कहां पर, वेस्ट बंगाल में। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको एक स्कूल और आर्ट सेंटर में कन्वर्ट कर दिया था गुरुकुल सिस्टम के अकॉर्डिंग। वेस्ट बंगाल में है ये भी, अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है ये भी। अभी रियाद में सऊदी अरेबिया की 45th मीटिंग हुई थी, वहां पर बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके पहले वेस्ट बंगाल के सुंदरबन नेशनल पार्क में यूनेस्को हेरिटेज सेंटर बनाया हुआ है और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज को भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट आती है कि क्या ये वेस्ट बंगाल में फर्स्ट है, नहीं। आगे बात करते हैं 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, तो 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कैंपेन क्या है, 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए नागरिकों को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप श्रम दान दो, आप 1 घंटा दो किसके लिए, स्वच्छता के लिए, 10 बजे 1 घंटा दो। इसमें क्या होगा, अलग अलग स्टेट्स को यूटीज को रिक्वेस्ट की गई है श्रमदान एक्टिविटी ऑब्जर्व करने के लिए सभी आयुष वेल्थ एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। इसका थीम क्या है, गार्बेज फ्री इंडिया, इंडिया को कूड़े से मुक्त करवाना। ये एक मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव है, स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 के ड्राइव के पार्ट की तरह। ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी और ये जो है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ इसी का पार्ट है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट की, जिसका 17th एडिशन हो रहा है जो कि इंडिया होस्ट करेगा।
ये जो इवेंट है इसको होस्ट करने के लिए इंडिया ने जो है बोली जीती थी, ए बिड जीती थी। इंडिया ने इसको बिड जीतने टाइम पहले स्विट्जरलैंड और यूएई को हराया है, इन्होंने भी बिड लगाई थी लेकिन ये बिड इंडिया के द्वारा जीती गई है। ये आई ट्रिपल सी यानी कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट जो है सीमेंट और कंक्रीट के फील्ड में बहुत प्रेस्टीजियस इवेंट माना जाता है। आगे बात करते हैं, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट अनाउंस किया गया है किसानों के लिए, जिसका नाम है किसान ई मित्रा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की तरह काम करेगा बेनिफिशियरीज में टाइमली और एक्यूरेट रिस्पॉन्स देने के लिए। इंडिया का ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो कि एक मेजर फ्लैगशिप स्कीम के साथ इंटीग्रेट जो है किया गया है। इसका काम एम क्या है कि किसानों को एम्पावर किया जाए यूजर फ्रेंडली और एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म की तरह। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट की। सो जो ओआईएमएल सर्टिफिकेट है ये किस फील्ड में इशू किए जाते हैं, मेजरमेंट के, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स को माप तोल के लिए यूज करते हो उसी के लिए डिपार्टमेंट काम करता है जो कि लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन है इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर इंडिया में इसके पास है। इंडिया 13th ऐसा देश बन गया है, 13वां ऐसा देश बन गया है जिसको ऑथराइजेशन मिल गई है OMIL सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। तो ये किसके रिलेटेड है, मेजरमेंट वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इंश्योर करने के लिए कि वो सही हो ताकि कंज्यूमर्स का भी नुकसान ना हो और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है लॉस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि अभी 8वें कॉन्टिनेंट की बात चल रही थी कुछ टाइम पहले, उसका साइंटिस्ट ने क्या किया है मैप एक अनवील किया है। तो कौन सा है 8वां कॉन्टिनेंट, ज़ीलैंडिया। ये पिक्चर में आपको आठों के आठों दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ज़ीलैंडिया। ज़ीलैंडिया की अगर आप लोकेशन देखो तो ये क्या है, ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट है जिसमें न्यूजीलैंड लोकेटेड है। ये जो पूरा है वर्ल्ड का 8th कॉन्टिनेंट है ज़ीलैंडिया, जिसकी अभी एक टीम थी सिस्मोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की जिन्होंने कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था। ये टीम ने एक रिफाइंड मैप भी क्रिएट किया है ज़ीलैंडिया का, जिसका नाम टी रियू आ माउई भी है, जो कि 8th कॉन्टिनेंट की तरह कंसिडर किया जा रहा है, पैसिफिक ओशियन के बनीथ लाई करता है। ये एक लॉन्ग नैरो लैंडमास है जिसकी विड्थ कम है, जो कि मोस्टली साउथ पैसिफिक ओशियन में सबमर्ज है, 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में साइज में है और ये मेडागास्कर और जो ऑस्ट्रेलिया के साइज के हाफली आधा है, जितना ऑस्ट्रेलिया का साइड है साइज है उससे आप बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली आधा है। करंटली 94% एरिया जो है ज़ीलैंडिया का अंडर वाटर है। एक कुछ आइलैंड्स ही हैं जैसे न्यूजीलैंड हो गया जो कि ओशन डेप्थ से बाहर है। न्यूजीलैंड अंटार्कटिका से अलग हुआ था कम से लगभग 100 मिलियन साल पहले और ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था कम से कम आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 80 मिलियन साल पहले। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, ताइवान ने रिसेंटली हाइकून अनवील किया है। हाइकून क्या है, इंडिया ताइवान का पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड, जो ताइवान ने खुद ने डेवलप किया है, एक सबमरीन है जिसका नाम है वैसे तो नरवाल इंग्लिश में और मैंडरिन में हाइकून, जो कि एक बहुत ही बड़े फिश के नाम पर रखा गया है, जिसकी मैंने पिक्चर ढूंढने की कोशिश की है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इस पिक्चर में ऐसी फिश होती है जो फ्लाई भी उड़ भी सकती है, ऐसी फिश है, उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया है। ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड है हाइकून। तो ये ताइवान के एफर्ट्स हैं, वो अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करता है, इसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं, रिसेंटली जो एक मीटिंग हुई थी उसमें आसियान की 2026 के लिए प्रेसिडेंसी किसके पास होगी, चेयरमैनशिप किसके पास होगी, उसके लिए बात चली थी। पहले ये इनिशियली म्यांमार पे थी लेकिन म्यांमार को अभी अलाउ नहीं किया गया है। म्यांमार को बोला गया है कि आप 2026 की चेयरमैनशिप नहीं ले सकते। और जो फिलीपींस है उसने अग्री किया है कि 2026 की चेयरमैनशिप जो है हम लेंगे। आसियान की अभी सबमिट हुई थी कहां पर, इंडोनेशिया के जकार्ता में, वहीं पे ये डिसीजन लिया गया। तो आसियान ने एक और चीज न्यूज में थी क्या, कि आसियान में पहले 10 मेंबर थे, कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई।
लेकिन अभी आसियान ने 11th मेंबर जो कि है तैमोर लेस्ते, यहाँ पर आप देख भी सकते हो इसकी लोकेशन, ये है तैमोर लेस्ते इंडोनेशिया के पास ही, इसको आसियान में एडमिट करने के लिए अग्री किया है, जो कि ये 11th मेंबर बन जाएगा। तो इसी वजह से भी न्यूज में था। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि 2026 की जो चेयरमैनशिप है वो फिलीपींस ने अग्री किया है, पहले म्यांमार को मिलनी थी, और 11th मेंबर बना है तैमोर लेस्ते, कहाँ पर है, इंडोनेशिया के पास है, और बाकी के 10 मेंबर्स भी मैंने आपको बता दिए। आगे बात करते हैं फाइव आइज अलायंस की, ये टर्म न्यूज में थी, ये है क्या, पांच देशों की अलायंस है, इंटेलिजेंस अलायंस, जिसमें क्या करते हैं वो पांचों देश इंटेलिजेंस सिग्नल्स, वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। इनफॉर्मल सीक्रेट मीटिंग्स जो है वो पहले हुई थी सेकेंड विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ब्रिटिश और अमेरिकन कोड ब्रेकर्स के टाइम, उसी से ओरिजिन इसका माना जाता है। उसके बाद यूएस ने फॉर्मली जब विश्व युद्ध में एंटर किया उससे पहले ये स्टार्ट हुई थी। देन अलाइज की 1941 का अटलांटिक चार्टर हुआ, जिसने पोस्ट वॉर वर्ल्ड का एक विजन भी स्टैब्लिश। फाइव आइज अलायंस जो है एक इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये पांच मेंबर्स है। अभी इसमें इंडिया को भी इंक्लूड करने की बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी उसमें यस नो कुछ नहीं है, जो भी होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कंट्रीज पहले मल्टीलेटरल यूके यूएसए एग्रीमेंट का पार्ट था, जो कि ये सिग्नल इंटेलिजेंस में ज्वाइंट बेसिस पर कॉपरेट करती थी। आगे बात करते हैं, I2U2 ने रिसेंटली एक ज्वाइंट स्पेस वेंचर अनाउंस किया है। I2U2 क्या है, आई इंडिया आई इसराइल, आई टू आई इंडिया आई इसराइल, देन यू से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन यू से यूएसए, ये चारों ने अनाउंस किया है कि वो एक ज्वाइंट लेवल पर स्पेस वेंचर जो है वो लॉन्च करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मार्जिन पर, जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी। इसका एम क्या है, एक बहुत ही डिफरेंट यूनिक स्पेस बेस्ड टूल को क्रिएट करेंगे, सो दैट जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इससे फायदा ले सकें। इसकी जो ये जो ग्रुप था I2U2, ये अक्टूबर 2021 में फॉर्मली बना था। जो भी इश्यूज हैं इन देशों में, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड, उसको डील करने के लिए। ओरिजिनली इसका नाम इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, बाद में इसको जो I2U2 के नाम से जाने लगा, इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा क्वाड ग्रुप जो अलग है, ये वेस्ट एशियन का क्वाड माना जाता है, क्योंकि इसमें इसराइल और यूएई ये दोनों शामिल हैं। आगे बात करते हैं सहेल स्टेट्स की अलायंस की। तो सहेल स्टेट अलायंस के कौन कौन मेंबर हैं, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर। तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ये तीनों अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स का पार्ट है। इन तीनों ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इसमें क्या है कि ये तीनों, अगर इन तीनों में किसी में भी आर्म्ड रेबिलियन होगा या एक्सटर्नल अग्रेशन होगा, तो ये तीनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसका एम क्या है, कलेक्टिव लेवल पर डिफेंस और म्यूचुअल असिस्टेंस फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना। आगे बात करते हैं नागोर्नो काराबाख कंफ्लिक्ट एक न्यूज में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है अजरबैजान, ये है अर्मेनिया, इनके बॉर्डर एरिया है, क्या नाम है इसका, नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस रीजन, जो कि आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, ये बॉर्डर पर है। कंफ्लिक्ट क्या है कि ये जो एरिया है, ये 1994 में एक अग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस एरिया को आर्मेनिया के कंट्रोल में जो है छोड़ा गया, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर इसको अजरबैजान के पार्ट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी वजह से कंफ्लिक्ट में था, क्योंकि करंटली इसमें जो है लोग रहते हैं वो आर्मेनिया की पॉपुलेशन है, आर्मेनियन है, एक सेपरेटिस्ट आर्मेनियन, वो इसकी इस एरिया की गवर्नेंस भी उन्हीं के पास है, और इसको नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट बोला जाता है। तो इसी वजह से ये न्यूज में था, तो आपको इसकी जो ज्योग्राफी है प्रॉपर पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए आप, कि जो अजरबैजान है, ये इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी से भी लगती है, इधर रशिया से भी लगती है, इधर ईरान है, देन इधर जॉर्जिया है, इधर है टर्की। टर्की की जो बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है, आर्मेनिया के साथ। टर्की का जो बॉर्डर है आर्मेनिया के साथ यहाँ पर शेयर होता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, अफ्रीकन यूनियन ने अनाउंस किया है कि वो खुद की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन लिया,
तो आपकी कितनी क्षमता है कि आप उस लोन को वापिस कर सको, उसको रेटिंग देती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उस रेटिंग पर जो भी कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके बेस पर वो आपको लोन देंगे। तो अफ्रीकन यूनियन का मानना है कि जो अभी करेंटली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को अनफेयर रेटिंग्स देती हैं। इसी की वजह से हम खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है लॉन्च करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं टाइफून हाइक्यू की। टाइफून हाइक्यू क्या है? टाइफून क्या है? जिसे आप इंडियन ओशन में साइक्लोन्स बोलते हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसी को टाइफून्स बोला जाता है साउथ चाइना सी वाले एरिया में। ये रिसेंटली ताइवान के एरिया में आया था, जिसने बाद में चाइना में जाकर लैंडफॉल किया। तो इसका बस नाम आपको याद रखना है, हाइक्यू टाइफून कहां पर था? ताइवान चाइना वाले एरिया में, साउथ चाइना वाले एरिया में। स्टेट न्यूज देखते हैं। सबसे पहले है भारतीय भाषा उत्सव। भारतीय भाषा उत्सव 75 डेज एक लॉन्ग इवेंट था, जो कि इंडिया की जो लैंग्वेजेस है, भाषा है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट करा गया। ये लखनऊ में हुआ है। इसमें पद्मश्री अवार्डीज और जो अलग अलग इंडियन लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें बाहुभाषी संगोष्ठी जो कि मल्टी लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और एक रामायण के बेस्ड प्ले भी होगा। ये 28 सितंबर से 11 दिसंबर तक फेस्टिवल चलेगा। 11 दिसंबर को फेमस तमिल पोएट जो है सुब्रमण्यम भारती, जो उनका बर्थडे भी होता है, और इसी को ऑनर करने के लिए इस दिन को इंडियन लैंग्वेज डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। आगे है इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम। कार्टोग्राफी क्या होती है? मैप्स को, नक्शे को यूज करने की आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैप को बनाने की यूज करने की। तो एक कार्टोग्राफी म्यूजियम जो है इंडिया का पहला इनॉग्रेट किया गया है, जिसको सर जॉर्ज एवरेस्ट म्यूजियम का नाम भी दिया गया। रिसेंटली उत्तराखंड के मसूरी में ओपन किया गया है। ये वहां के पार्क एस्टेट में सिचुएटेड है, जो कि फेमस जो सर्वेयर थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनका रेजिडेंस होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लोब दिखाया गया मैप की। आप पिक्चर से क्या होती है, एक मेमोरी में आपके फिट हो जाएगी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ कार्टोग्राफी म्यूजियम के टाइम पे हमने ऐसे ग्लोब देखा था, उसमें नक्शा दिखाया था, तो ये मैप्स के रिलेटेड है। आगे बात करते हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली जो स्लम डेवलपर्स हैं, झुग्गी झोपड़ियों के लोग हैं, उनको लैंड राइट सर्टिफिकेट दिए हैं। ये किसका पार्ट है? उड़ीसा का एक मिशन है, जग मिशन, जिसको 2023 में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी मिला है। इसमें क्या है, जो इनोवेटिव आउटस्टैंडिंग और रेवोल्यूशनरी हाउसिंग आइडियाज हैं, प्रोजेक्ट हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया गया इस इवेंट के अंदर, इस मिशन के अंदर। जो गरीब लोग हैं, 65,000 गरीब लोग हैं, जो कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जिसमें भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, संबलपुर और राउरकेला इंक्लूडेड है, उसके लोगों को लैंड राइट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि उड़ीसा अकेला ऐसा राज्य है हमारे देश का जिसने लैंड राइट दिए हैं, किसको? झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को। तो जग मिशन क्या है? ये उड़ीसा का लिव एबल हैबिटेट मिशन है, स्लम टिटलिंग एंड अपग्रेडेशन इनिशिएटिव है। स्लम के लोगों को अपग्रेड किया जाएगा, उनको लैंड राइट्स दिए जाएंगे, उनकी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड्स, ड्रेन, स्ट्रीट लाइट वगैरह वगैरह, उसको अपग्रेड किया जाएगा कि वहां पर रहने लायक कंडीशन बनाई जाए, उनको आदर्श कॉलोनीज में कन्वर्ट किया जाएगा। आगे है सबल योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट जो लॉन्च की गई है, जिसकी फुल फॉर्म है सपोर्टिंग अबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लाइवलीहुड स्कीम। एम क्या है? स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, जो स्पेशली एबल्ड, मान लो कोई किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है, किसी को विजन, जो भी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनकी जिंदगी को इम्प्रूव करना है, उनको असेंशियल फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज देने के लिए फोकस करना है। आगे बात करते हैं आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन की। नागालैंड पहला स्टेट बना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिसने आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है इनिशिएट किया। इसमें क्या होगा, अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बच्चे एक्सेस कर सके, उसके लिए बच्चों की जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है आधार के साथ लिंक की जाएगी, सो दैट जो न्यू बॉर्न बेबी है उससे लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं उनको एनरोल किया जाए, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा ले सके। आप आगे बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड की, जो कि रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुई है। अभी ये जो है ओसो वोग, ये न्यू दिल्ली में हुई।
वहां की इसको किसने ऑर्गेनाइज किया, पावर ग्रिड ने, जो कि एक महारत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। इंडिया ने पहले ही क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन बनाए हुए अपने पड़ोसी देशों के साथ, सो दैट हम क्रॉस बॉर्डर लिंक जो है उसको स्ट्रेंथन कर सके। ओसो वो क्या करेगा, सभी देशों को इनेबल करेगा कि वो एनर्जी जो सन की सोलर एनर्जी है उसके बेनिफिट्स को ले सके। जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसी की तरह है। क्यों? क्योंकि जो सोलर एनर्जी है ये अराउंड द क्लॉक अवेलेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्ती है। तो इससे क्या होगा, आप पॉल्यूशन भी बचा सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प होगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होंगे, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, तो ये चीजों से फायदा होगा। तो ओसो वो क्या है कि सन एनर्जी से सभी फायदा ले सके। आगे बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी जो कि बनी है सांची। सांची क्या है, मध्य प्रदेश में, जहां पर सांची स्तूपा जो कि बुद्धा जी का स्तूपा है, बुद्धा बुद्धिज्म के रिलेटेड वो भी है, ये पहली सोलर सिटी बनी है। इस सोलर सिटी का क्या मतलब है कि ये जो शहर है ये जितनी कंजम्पशन है, जितने वहां के लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा वो जनरेट करेंगे और जो सरप्लस होगी वो ग्रिड में भेज देंगे। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का और IIT कानपुर का, उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया है कि सांची को नेट जीरो सिटी बनाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के पहला पॉलिथिन वेस्ट बैंक की, जो कि उत्तराखंड में जो है वहां पर एस्टैब्लिश किया गया है, देहरादून कैंट बोर्ड ऑफ उत्तराखंड के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो पॉलिथिन वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जाएगा। तीन प्लांट है, एक गढ़ी में है, देन एक वहां पर देहरादून के गढ़ी में है, देन है प्रेम नगर में, और दो है गढ़ी में। इसमें क्या किया जाएगा, वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा प्लास्टिक का, उसके बेस्ड आपको पैसे मिलेंगे। 3 रुपए पर केजी आपको आपसे वेस्ट लिया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक बैग हो गए, चिप्स रैपर हो गए, पैकिंग बैग्स हो गए, ब्रेड रैपर, हर चीज। उससे ये क्या करेंगे, बाद में इनकम का सोर्स बनाएंगे, उसको प्रोसेस करके बाद में भेजेंगे अलग अलग जगह कि इसको टाइल्स बनाने में, बोर्ड्स बनाने में यूज किया जाएगा, सो दैट पॉल्यूशन भी कम हो जाए, लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हमें पैसा मिलेगा तो वहां पर लोग जाकर देख के आएंगे। आगे बात करते हैं फर्स्ट ग्लोबल टर्मेरिक कॉन्फ्रेंस की, जो कि रिसेंटली मुंबई में इनॉग्रेट हुई है। ये जो कॉन्फ्रेंस है NICR के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि NCDEX ग्रुप के आर्म की तरह काम करती है और टेफ्ला के साथ कोलेबोरेशन किया। इसमें क्या है, टर्मेरिक इंडस्ट्री जो हल्दी की इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, हर चीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे कंसंट्रेट किया गया, जो कि नई डेवलपमेंट्स लाएगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, टर्मेरिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, हर चीज में। यहाँ पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हो लॉन्च की। आगे बात करते हैं, यूपी जो है फर्स्ट ऐसी स्टेट बन गई है जिसने खुद ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो बर्थ रजिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में। अगर गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में कोई भी बच्चा नया उसका जन्म होगा तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खुद से, पेरेंट्स चाहे उसके लिए रजिस्टर करें ना करें, मां नवजात ट्रैकिंग ऐप के थ्रू बच्चे की जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम को इनिशिएट करेंगे, सो दैट लोगों को दिक्कत ना आ सके, न्यू बॉर्न्स को बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इमीडिएटली मिल जाए। आगे बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान ने टॉप किया है इन सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन, यानी कि राजस्थान के जो स्टेट है, राज्य है, वहां पर सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन सबसे ज्यादा है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सोलर वाटर पंप लगाएं, उसी को इरिगेशन के लिए यूज करें, सिंचाई के लिए, और जो डीजल पावर्ड जो इक्विपमेंट्स है, प्लांट्स है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, उन पे डिपेंडेंट ना रहे। आगे है इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो कि गोवा के पणजी में हुआ। यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो कितना सुंदर लाइट हाउस है, वहां का फोर्ट अगुआड़ा है, किला है वहां का, वहां पर ये किया गया था, 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, तो 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 25 सितंबर तक चला था। इसमें क्या एम था, देश के लाइट हाउस को टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह प्रमोट करना। अब साइंस एंड टेक की न्यूज देखते हैं। सबसे पहले है आदित्य L1। रिसेंटली इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला सोलर मिशन है, PSLV C57 रॉकेट यूज करके। ये जो है पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो कि सोलर मिशन है, सन को स्टडी करेगा 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से। ये 125 दिन लेगा L1 पॉइंट तक पहुंचने के। L1 पॉइंट क्या है, लैग्रेंजियन पॉइंट है,
लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो चाहे अर्थ का है चाहे सन का है, उसको दोनों को बैलेंस कर दे और वो चीज वो उस स्पेसक्राफ्ट को अफेक्ट नहीं करेगी। इस मिशन का एम क्या है कि जो सन का कोरोना है, फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, सोलर विंड, उस पर जो है ये इंफॉर्मेशन देगा, सन के बिहेवियर की डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, सन के रेडिएशन, सन का हीट का क्या कंसेप्ट है, पार्टिकल फ्लो, हर चीज की। यहाँ पर आप इसके पेलोड्स देख सकते हो, इसमें 7 पेलोड्स हैं। एक है VELC, मैं एक मिनट कलर चेंज कौन सा कलर लूं कि आपको दिख जाए। ये एक है VELC जिसकी क्या फुल फॉर्म है, ये जो ये क्या करेगा, ये कोरोना इमेजिंग स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर स्पेक्ट्रोस्कोपी IIALIOS URSC IISU SSC ये है। देन है सूट, ये क्या करेगा, फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इमेजिंग IUCEA LIOS URSC और IISU। देन है सोलेक्स, ये क्या है, सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है URSC। देन है हिलियोस, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर URSC। देन है आस्पेक्स, सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर इन सीटू मेजरमेंट। देन है पापा, ये क्या है, सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर इन सीटू मेजरमेंट। देन है MAG, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा, इन सीटू मेजरमेंट करेगा। इसके बाद ये सारे लोकेशन दिखाई गई है 7 पेलोड्स की, यहाँ पर आप देख सकते हो SU सूट है, VELC एक मॉडल दिखाया गया है। ये पेलोड्स क्या है, स्पेसक्राफ्ट में 7 पेलोड्स होंगे अलग अलग चीजों को स्टडी करने के लिए, सभी इंडिजीनियसली डेवलप किए गए हैं भारत में ही, इसरो के अलग अलग सेंटर्स ने कोलैबोरेट करके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, अभी हमारे जो इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, अभी उसके बाद जापान ने एक मून स्निपर लूनर लैंडर लॉन्च किया है जिसका नाम है स्लिम। अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च कर गया तो जापान 5वां देश बन जाएगा USSR, USA, चाइना और इंडिया के बाद जो कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इंडिया मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश था, लेकिन मून पर वैसे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th नेशन था, तो जापान 5वां नेशन बनेगा। जापान ने खुद ही डेवलप किया है HIIA रॉकेट, उसी के द्वारा मून स्नाइपर को लॉन्च किया है। लैंडिंग जो है अगले साल प्लानिंग प्लान्ड है, फरवरी 2024 में। गोल यही है कि स्लिम को चांद के सरफेस पर विद इन 100 meters ऑफ टारगेट साइट जो है उसको लॉन्च करना, तो ये फरवरी 2024 तक एक्सपेक्टेड है। सिंपली ये याद रखना है कि स्लिम किसका है, जापान का क्या है लूनर मिशन चांद पर। आगे बात करते हैं नासा के मॉक्सी की, जो कि जिसने रिसेंटली मार्स पर, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन जनरेट कर ली है। तो मॉक्सी क्या है, मार्स का मिशन है जिसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसने मंगल ग्रह पर 122 ग्राम जो है अभी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस की है। वहां पर एक छोटा डॉग था, उसकी ब्रीदिंग को सस्टेन करने के लिए 10 घंटे तक। तो ये क्या है, वहां का जो इनहॉस्पिटेबल मार्शियन एटमॉस्फेयर है उसको लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट करने के कैपेबल रहा। आगे बात करते हैं मैसेंजर की। मैसेंजर क्या है, नासा का ही मिशन है जिसने मर्क्यूरी के आसपास ऑर्बिट किया 4 साल तक। ये जो मिशन था रिसेंटली, ये मिशन अभी आप बोल सकते हो एंड हुआ है, क्योंकि ये मर्क्यूरी के सरफेस पर स्लैम हुआ। इसने काफी चीजें डिस्कवर की हैं, मर्क्यूरी की जियोलॉजिकल हिस्ट्री हो गई, वहां के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वहां के पोलर डिपॉजिट वगैरह हर चीज। आगे बात करते हैं, इंडिया के गुजरात में रिसेंटली वेनेडियम डिस्कवर किया गया है। पहले इंडिया के जम्मू कश्मीर और उसके बाद राजस्थान में लिथियम डिस्कवर किया गया था, अभी वेनेडियम किया गया है गुजरात में। ये बहुत ही एक रेयर मेटल है जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होगा। ये भी ई व्हीकल्स में, बैटरीज में यूज होता है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। वहां पर अलांग नाम की जगह है जहां पर इसको जो है डिस्कवर किया गया। वेनेडियम सेकेंडरी बैटरीज में यूज होता है। वेनेडियम जो है इस रीजन में एक मिनरल फॉर्म में मिलता है जिसका नाम है टाइटेनो मैग्नेटाइट, जो कि मोल्टन लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता है, बहुत तेज ठंडा होता है तब बनता है। ये जो वेनेडियम रिजर्व्स की अगर बात करें पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है चाइना में। आगे बात करते हैं निपाह वायरस, अभी रिसेंटली केरला में उसका आउटब्रेक हुआ है, उसी के रिगार्डिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक टर्म न्यूज में थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, इसको MMOABS या MABS का नाम दिया जाता है,
जैसे हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज होती हैं, वैसे ही ये लैब में बनाई गई हैं इसको कॉपी करने के लिए, मिमिक करने के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। आपको आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी लगती है, इन्फेक्शन होती है, तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं नेचुरली, नेचुरल जो एंटीबॉडीज है, ये एंटीजन्स पर लग के उस पर चिपक जाती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो मोनोक्लोनल क्या है, लेबोरेटरी में बनाई जा रही है सो दैट ये एंटीबॉडीज की तरह काम करें। आगे बात करते हैं निपाह से ही रिलेटेड, एक ट्रू नेट टेस्ट क्या है, ये पहले कोविड के टाइम पे यूज हुआ था वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। अभी ट्रू नेट टेस्ट को निपाह वायरस टेस्ट के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, किट को यूज करने के लिए केरला को ICMR से अप्रूवल मिल गया है। ये एक पोर्टेबल स्मार्ट चिप बेस्ड बैटरी ऑपरेटेड RT-PCR यूज करती है, जिसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या करेगी, जो भी सैंपल होगा उसमें वायरस की प्रेजेंस को चेक करेगी। अभी एनवायरमेंट के रिलेटेड न्यूज देखते हैं। सबसे पहले है WCS इंडिया ने रिसेंटली इलीगल ट्रेड का रिपोर्ट की है, किसकी, रेड सैंड बुआ की। इसकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, एक रेप्टाइल है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड, ये ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही रेयर नॉन पॉइजनस स्नेक है, ये जहरीला स्नेक नहीं है। ये मेडिसिन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए जो यूज किया जाता है, इसी वजह से इसकी ट्रेडिंग होती है। पूरे इंडिया में पाया जाता है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इस रीजन में नहीं पाया जाता और ना ही इंडिया के आइलैंड्स में पाया जाता है। लेमैन लैंग्वेज में इसको टू हेडेड स्नेक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी पूंछ होती है वो भी इसकी हेड की तरह ही होती है, तो इसको टू हेडेड स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इसका IUCN स्टेटस भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं एशियाटिक वाइल्ड डॉग की। इसकी पहले पिक्चर देख लीजिए, ये ऐसा दिखता है जैसे लोमड़ी होती है वैसे ही दिखता है। तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है, रिसेंटली कर्नाटका के शिवमोगा जिले में कुछ लोगों ने देखा। इसको ढोलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वैसे सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसको इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड वॉल्फ, रेड डॉग, माउंटेन वॉल्फ, इसके नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया के पूरे पार्ट में पाया जाता है। इवन अगर बहुत उत्तर की दिशा में चले जाए हम, तो साइबेरिया, इसके बाद साउथ सदरन में मलेशिया आइलैंड्स हैं, इंडियन पेनिनसुला, तो बहुत सारा एरिया, बहुत वाइड रेंज है एरिया की जहां पर ये पाया जाता है। इंडिया में 3 क्लस्टर्स में पाया जाता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट हो गए, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट जो है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन है, किसके लिए, ढोलेस के लिए। ये जो एनिमल्स है, ये जो पशु है, ये बहुत ही घने जंगल, स्टेपीज माउंटेन्स हो गए, स्क्रब फॉरेस्ट हो गए, पाइन फॉरेस्ट वहां पर पाए जाते हैं। IUCN का स्टेटस अगर देखें तो इसका क्या, इसको क्या स्टेटस मिला हुआ है, एंडेंजर्ड। आगे बात करते हैं मिथुन की। मिथुन जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, इसको आप क्या बोल, क्या और किस नाम से जाना जाता है, गायल के नाम से या इंडियन गौर के नाम से। इसको रिसेंटली फूड एनिमल टैग का स्टेटस मिला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ये कैटल ऑफ द माउंटेन के नाम से भी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल भी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बांग्लादेश, नदरन, म्यांमार, यूनान, चाइना, इन सभी पर डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। इसकी इसकी साइनिंग की रिसेंटली, जो एग्रीमेंट की रिसेंटली एनिवर्सरी थी, ये 16 सितंबर 1987 को एग्री किया गया था, 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ओजोन की परत को बचाने के लिए, जो भी सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन की परत को खराब करते हैं उसको खत्म करने, उसको फेज आउट करने के लिए इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह हो गए, तो इसमें क्या था, ओजोन लेयर को फिक्स करना था और क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना था। इसी थीम पर ये इस साल का वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। आगे बात करते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की। सो MP में नौरातही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मर्ज करके MP का 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से। इससे पहले MP में कान्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा,
पेंच पन्ना और संजय दुबरी ये सारे टाइगर रिजर्व हैं। एनटीसीआई के अकॉर्डिंग एमपी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पर है, मध्य प्रदेश में, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन बात करते हैं नीलगिरी ताहर की, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो इसकी, ये भी ऐसे गाय की तरह दिखती है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु और केरला ने कोलैबोरेट किया है कि हम नीलगिरी ताहर का क्या करेंगे, सेंसस करेंगे, गिनती करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल है सिर्फ तमिलनाडु और केरला के सिलेक्टेड जंगलों में पाया जाता है, ये एंडेंजर्ड, इसका भी स्टेटस क्या है IUCN के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड, और इंडिया में इसको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के अंडर प्रोटेक्शन दी जाती है। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। आगे बात करते हैं बिहार की। आपको पता होगा, हमने पहले डिस्कस भी किया था कि अभी करंटली बिहार में सिर्फ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण जिले में है। लेकिन बिहार में अभी बात चल रही है कि जो वहां की कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी टाइगर जो रिजर्व है वो बनाया जाएगा। इसके लिए एनटीसीए से आप बोल सकते हैं प्रपोजल के लिए अप्रूवल मिल गया है। प्रपोजल पे अभी बात चल रही है। जब भी ये फाइनल हो गया तो बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व बन जाएगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर जो जिला है इसमें दो लैंडस्केप है, एक पहाड़ियां है जिसको कैमूर प्लेट्यू बोला जाता है, देन एक साइड पे प्लेन है जहां पर नदियां है, कौन सी, कारमानसा एंड दुर्गावती, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात ने रिसेंटली जो वहां पर एक प्लांट है, जो इन्वेजिव प्लांट है कोनो कार्पस ट्रीज, उसकी जो लगाने को उसको बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोनो कार्पस ट्रीज जो है ये एक एग्जॉटिक स्पीशीज है, एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि कॉम्ब्रिटेक की फैमिली से बिलोंग करता है, एक इन्वेजिव मैंग्रोव स्पीशीज है। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है? जो खुद की नहीं होती हमारी, यहाँ बाहर से कहीं हम लेके आते हैं, लेकिन जहां पर हम उसको लाकर लगा देते हैं उस एरिया की जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तभी गुजरात ने बोला है कि ये जो है इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीशीज जो है कोनो कार्पस, इसको अभी बैन कर दिया है। ये अरेबियन पेनिनसुला में जो देश है पहले ये यूज करते थे, जब भी वहां के रेगिस्तान में कोई तूफान वगैरह आता था तो जो सैंड है, जो वहां की रेत है, वो उड़े ना, उसको ब्लॉक करने के लिए इस प्लांट को यूज किया जाता था। ये प्लांट क्यों फेमस है? पूरे साल इसके पत्ते ग्रीन रहते हैं और चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये उसको जो है टॉलरेट कर लेता है। इससे पहले गुजरात से पहले तेलंगाना ने भी इसको बैन किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कोल वेटलैंड्स की। ये केरला में है। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि वहां पर भी एक इन्वेजिव एलियन प्लांट है कबोम्बा फरकटा। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये है कबोम्बा फरकटा और ये क्या है कोनो कार्पस। तो इन दोनों का अपना ध्यान रखना है। जो कबोम्बा फरकटा है ये एक एलियन स्पीशीज है जो कि केरला के कोल वेटलैंड में नुकसान पहुंचा रही है, जिसको पिंक ब्लूम से नाम से जाना अभी पिंक ब्लूम का नाम जाना जाता है। ये जो स्पीशीज है वैसे सेंट्रल और साउथ अमेरिका में मिलती है। केरला में एकेरियम प्लांट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसे पिंक जो आप देख सकते हैं, ऐसे पिंक पूरा कर दिया है इसने वेटलैंड को। इसका पिंक कलर अच्छा लगता है, लेकिन वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, उसको ये नुकसान पहुंचा रही है। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023 की। सो ये इस रिपोर्ट के अंदर अकॉर्डिंग पहले तो आप ये देखिए कि कितने टाइप के राइनो है। एक है व्हाइट राइनो जिसका जो पॉपुलेशन है कम हो रही है और इसका स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। देन है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इसका जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, इसका जो स्टेटस है वल्नरेबल। देन है ब्लैक राइनो, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन है जावन राइनो, इसकी जो पॉपुलेशन है स्टेबल है, इसका जो स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन इसके बाद है सुमत्रन राइनो, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो पांचों के आपको ध्यान रखने हैं। तीन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कौन कौन से, सुमत्रा वाला, जावा वाला और ब्लैक। इसके बाद जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है वल्नरेबल है और व्हाइट जो है नियर थ्रेटेंड है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने राइनोज है? 3 to 62।
इंडिया ये जो राइनोज हैं इसको खतरा क्या है? एक तो इनका शिकार होता है, इसका जो हैबिटेट है जहां पर ये रहते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि डिफोरेस्टेशन और जंगल काटे जा रहे हैं। इंडिया, भूटान और नेपाल ने कुछ टाइम पहले कोलैबोरेट किया था जिसकी वजह से इस रीजन में इसकी जो आबादी है वो बढ़ी है। इस रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया है, तो आपने ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। अब बात करते हैं इकोनॉमी न्यूज की। इसका सबसे पहली है आरबीआई के गवर्नर है जो शक्तिकांता दास जी, इनको टॉप सेंट्रल बैंकर का रैंक दिया गया है। किसके द्वारा? जो यूएस बेस्ड फाइनेंशियल मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस, उसके द्वारा इनको A+ की कैटेगरी में रैंक किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को नवरत्ना स्टेटस मिल गया है। नवरत्ना स्टेटस किनको मिलता है? जिनको मिलता है वो कंपनीज अब 1000 करोड़ तक जो है पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना किसी भी प्रोजेक्ट में। देन है इंडिया का फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम। यूपीआई एटीएम क्या है कि आपको फिजिकली एटीएम कार्ड को कैरी नहीं करना, जैसे आप यूपीआई पेमेंट कर देते हो एक क्यूआर कोड को देख के, वैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसे निकाल पाओगे। तो ये जो है हिटाची पेमेंट सर्विस जो जापान की एक हिटाची कंपनी है उसी की सब्सिडरी है जिसने ये लॉन्च किया है। ये एक वाइट लेबल एटीएम है। वाइट लेबल एटीएम होता है जो कोई नॉन बैंक एंटिटी के द्वारा ओन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। अब बात करते हैं 6 गेटकीपर्स की। ये क्या है? यूरोपियन कमीशन ने रिसेंटली 6 गेट कंपनीज को 6 गेटकीपर्स का नाम दिया है। कौन कौन से? अल्फाबेट, एमेजोन, एप्पल, बाइट डेंस, मीटा, माइक्रोसॉफ्ट। डिजिटल मार्केट एक्ट के अंदर क्यों दिया है? क्योंकि उनका मानना है कि ये 6 कंपनीज बिजनेस और कंज्यूमर्स में इम्पोर्टेंट एक गेटवे प्रोवाइड करती हैं कोर सर्विसेज के लिए। इसके बाद बात करते हैं SBI ने रिसेंटली नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसका काम क्या है? कम्यूटिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। इसमें क्या होगा कि डिजिटल टिकट फेयर पेमेंट, आपने मान लो मेट्रो के लिए कार्ड यूज करना है, मान लो बसेस के लिए करना है, वाटर फेरीज के लिए एक कार्ड आपको मिल जाएगा, उसी पे आप पैसे डालो और सबके लिए यूज कर लो। आगे बात करते हैं NPCI के अलग अलग इनिशिएटिव्स की, जिसमें पहला है हेलो यूपीआई। हेलो यूपीआई क्या है? यूपीआई पेमेंट को वॉइस कमांड का, आप वॉइस करोगे, अब वॉइस कमांड दोगे कि इसको इतने पैसे भेज दो, तो यूपीआई पेमेंट के थ्रू हेलो यूपीआई भेज देगा। देन है बिल पे कनेक्ट। ये क्या होगा? चैट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। देन है यूपीआई लाइटेक्स। इसमें क्या होगा? ऑन डिवाइस यूपीआई वॉलेट कस्टमर्स जो है उसके लिए ऑफलाइन, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं, ऑफलाइन मोड में जो है पेमेंट होगी। देन है टैप एंड पे। ये क्या है? NFC इनेबल्ड क्यूआर कोड है, उससे पेमेंट होगी। देन है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। इसमें क्या है? प्री सेंक्शनड बैंक क्रेडिट लाइन जो है कस्टमर्स की, इसको यूपीआई के साथ लिंक करेगा। देन है यूपीआई एट ATM। इसमें क्या है? कैश को आप विदड्रॉ करो ATM से यूपीआई अकाउंट को यूज करके, और ATM कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये सारे इनिशिएटिव क्या है, क्या नाम है, किसने किए हैं, NPCI ने, क्या क्या इसका काम है, वो चीज याद रखनी है। इसके बाद है GI टैग कुछ प्रोडक्ट्स को मिले हैं। पहला है बदरवा राजमा, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, बहुत छोटे साइज का होता है लेकिन कलर बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हल्का सा स्वीट होता है टेस्ट में। ये कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। इसके बाद है सेलम का, तमिलनाडु के सेलम का सागो। सागो क्या है? जिसको आप साबूदाना बोलते हो हिंदी में, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, इसको मिला है। ये स्मॉल हार्ड ग्लोब्यूल्स या पर्ल्स होते हैं व्हाइट कलर के, तो ये तमिलनाडु के सेलम को सागो को मिला है। इसके बाद है उड़ीसा के रायगढ़ा शॉल्स को मिले हैं, जो कि वहां की डोंगरी या कोंड है वो बनाती हैं। ये बहुत ही सुंदर एक क्राफ्ट होती है, ऐसे कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हो। एक कापड़ा गंडा, एक हैंड वूवन शॉल है जो डोंगरी या कोंड बनाते हैं। इसके बाद है आंध्र प्रदेश का अत्रियपुरम पुत्रकुल्लू, ये एक स्वीट या मिठाई है। बहुत ही पतला पेपर होता है राइस स्टार्च का, जिसमें शुगर, ड्राई फ्रूट और नट्स फिल करके ऐसा दिखता है। इसको भी GI टैग मिला है, जो कि वहां के आंध्र प्रदेश के अत्रियपुरम विलेज से ओरिजिनेट होता है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट, स्कीम और इंडेक्सेस की। सबसे पहले है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। इसमें क्या है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको पता होगा रिसेंट कुछ टाइम पहले UNFPA की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा 2023 का। लेकिन इसके साथ एक चिंताजनक एक रिपोर्ट आई है कि 2046 तक
जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60 साल से ऊपर वाले लोगों की जो आबादी है वो 0 से 14 साल के जो लोगों की आबादी से ज्यादा हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इसमें उसने चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जब एल्डरली हो जाएंगे लोगों को, तो वो चीज रिप्रेजेंट की हुई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2046 साल और किन की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, एल्डरली की। एल्डरली कौन है, जो 60 प्लस है। आगे बात करते हैं, इंडिया रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 कॉन्फ्रेंस का पहला एडिशन इंडिया होस्ट करेगा। कब करेगा, ये अक्टूबर महीने में। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में की प्लेयर्स, रिसर्चर, स्टार्टअप, हर लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इंडिया में होगी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगी। इसके बाद ये रिपीटेटिव हो गया। इसके बाद है गीतिका श्रीवास्तव जी, ये इंडो पैसिफिक से ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, ये अभी चार्ज डिफेयर्स के पोस्ट पर जो है हेड नियुक्त की गई है इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद में। पहली वुमेन डिप्लोमेट है जो कि इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद में जो है इनको पोस्ट मिली है। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। इसके बाद है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया N.V. रमन जी, इनको मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल जो है अपॉइंट किया गया है, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सिंगापुर में। मीडिएशन सर्विसेज, मीडिएशन क्या होती है, आप दो पार्टियों का कोई भी डिस्प्यूट उसको सॉल्व करवाते हो, और ये क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल डिस्प्यूट जो है उनको रिजोल्व करने के लिए काम करेंगे। इसके बाद है जया वर्मा, ये पहली वुमेन CEO बनी है रेलवे बोर्ड में। तो ये पहले रेलवे एडवाइजर की तरह भी इन्होंने काम किया है, क्योंकि ये पहली है तो आपको नाम याद करना है। इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हो, ऐसी एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हो। इसके बाद है जस्टिस अमितवा रॉय कमेटी, ये क्यों न्यूज में थी, ये काफी साल पहले, ऑलमोस्ट 6 साल पहले ये जो कमेटी बनाई गई थी किसके लिए, प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए। तो इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स बताए हैं कि गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी में ऐसे जेल है जो वुमेन प्रिजनर्स को अलाउ करते हैं कि वो बच्चों को मिल लें। 40% से कम इंडियन प्रिजन जो ऐसे हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स देते हैं वुमेन्स को। 75% वुमेन वार्ड्स ऐसे हैं जो किचन और जो वॉशरूम है वो मेल वार्ड्स के साथ शेयर करते हैं। सभी जो वुमेन प्रिजनर्स हैं, चाहे वो अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट, एक ही जगह पर रखे जाते हैं। तो ये इन्होंने कुछ चीजें बताई थी। तो उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी, टेलीमेडिसिन करो, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, कम्युनिटी सर्विस इनको दी जाए, इनको लिए अलाउ की जाए, देन जो इनमेट्स हैं जो कैदी हैं उनको कंप्लेंट फाइल करने के लिए अलाउ किया जाए, उनको वुमेन प्रिजनर्स को साइकोलॉजिकल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए जो सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम है उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए। आगे बात करते हैं ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 की, जिसमें इंडिया का फर्स्ट रैंक रहा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इंडिया का फोर्थ रैंक था, अभी फर्स्ट रहा है। इसमें क्या दिखाते हैं कि जो एवरेज लोग हैं वो क्रिप्टो को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। अब है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक आया है 52। ये जो इंडेक्स है कौन रिलीज करता है, नीदरलैंड बेस्ड फर्म। 5 फैक्टर्स देखते हैं, इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नमेंट, ई सिक्योरिटी एटसेट्रा। इसमें 3 देश जो टॉप पर है वो कौन से हैं, डेनमार्क, साउथ कोरिया और फिनलैंड। इसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया का कितना रैंक आया है, इंडिया का जो इसमें रैंक वो है 40th, जो कि पहले से मेंटेन्ड है, 40th रैंक है। पहले भी इसका 40th रैंक था, लेकिन जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है और 10 इकोनॉमीज जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका की है उसमें इंडिया टॉप पर है। लेकिन ओवरऑल टॉप पर देखें तो स्विट्जरलैंड का फर्स्ट रैंक रहा, देन है स्वीडन, देन USA, देन UK, देन सिंगापुर। अब बात करते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 की, जो कि IMD रिलीज करती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टेट्यूटरी मिनिमम वेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एटसेट्रा। इसमें फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, देन है लग्जमबर्ग, देन है आइसलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड। और इंडिया की अगर पोजिशन देखिए 56 है, पिछले साल 52nd थी, अब वो खराब हो गई है। अब बात करती है फ्रीएस्ट इकोनॉमी की, सबसे ज्यादा फ्री इकोनॉमी है इंडिया दुनिया की सिंगापुर, सेकंड नंबर पर है हांगकांग, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड, देन है न्यूजीलैंड, देन है USA। इंडिया का रैंक है 87। ये जो रैंक है कौन देता है, कनाडा का थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट।
स्पोर्ट्स न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले है मेंस हॉकी 5S एशिया कप, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की थी। ये इवेंट हुआ था ओमान के सलाला में। इसके बाद है नीरज चोपड़ा जी, जो कि पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ये इवेंट हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। नीरज चोपड़ा भारत के क्या है, जेवलिन थ्रोअर है, भाला जो फेंकते हैं। नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग फाइनल जो कि यूएसए में हुआ था वहां पर भी सेकेंड पोजिशन हासिल की और फर्स्ट पोजिशन मिली है जेक रिपब्लिक के जैकूब विडलेक को। इसके बाद बात करते हैं एशियन गेम्स की, जो कि 19th एडिशन है, इस बार चाइना के हंगजाऊ में हो रहा है। 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 8 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें जो फ्लैग बेयरर कौन थे, हरमनप्रीत सिंह, और फीमेल्स में सी लोबलिना बोरगोहेन। पहली बार हुआ था कि एशियन गेम्स में दो फ्लैग बेयरर्स हैं। अमूल इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर रहा। इसके अभी तक की अचीवमेंट भारत की देखते हैं, वुमेन क्रिकेट टीम थी इंडिया की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इंडिया की रोशिबीना देवी नारोम, इन्होंने वुशु में सिल्वर मेडल जीता। देन जो इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज टीम होती है हॉर्स राइडिंग, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये भी हिस्टोरिक था, ऑलमोस्ट 41 साल बाद इंडिया को गोल्ड मेडल मिला। देन है पलक गुलिया, जिन्होंने वुमेन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। इसके बाद ईशा सिंह ने जो है, और दिव्या टीएस ने सिल्वर मेडल जीता, इनकी टीम इवेंट था। इसके बाद जोशना चिनाप्पा, अनाहत सिंह, जानवी खन्ना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता स्क्वाश में। देन बात करते हैं रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की, जो कि सर्बिया में हुई थी, जहां पर इंडिया की रेसलर अंतिम पंगल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये इंडिया का पहला मेडल था इस एडिशन में। इसके बाद है एशिया कप, ये भी इंडिया की टीम ने जीता है, और इन्होंने किसको हराया था, श्रीलंका की टीम को। कहां पर ये हुआ था, श्रीलंका के कोलंबो में। देन है जो थाईलैंड की एक क्रिकेटर है, वुमेन क्रिकेटर नटाया, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, 100 विकेट उन्होंने कंप्लीट कर ली T20 इनिंग्स में। मेल में भी ये रिकॉर्ड है, फीमेल में भी, आज तक मेल और फीमेल भी सबसे ऊपर रही है, ये फर्स्ट क्रिकेटर बनी है। ये कहां से बिलोंग करती है, थाईलैंड से, तो यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अभी जो ICC मेंस क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप इंडिया 2023 की ट्रॉफी अनवील करने वाली पहली एक्ट्रेस बन गई है, कौन, उर्वशी रौतेला। ये जो ट्रॉफी है फ्रांस के पेरिस के आईफल टावर के बैकड्रॉप के आगे इन्होंने किया था। इसके बाद बात करते हैं विराट कोहली की, ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 13,000 वनडे इनिंग के रन जो है स्कोर कर लिए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया की क्रिकेट टीम ने, इंडिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में नंबर वन रैंक करने वाली है, हासिल करने वाली टीम बन गई है, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वनडे इनिंग में, चाहे T20 में। इसके बाद बात करते हैं टीम इंडिया की एक और अचीवमेंट की, ये पहली टीम बन गई है जिन्होंने वनडे इनिंग्स के 3,000 सिक्सेस जो है हिट कर लिए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नोवाक जोकोविक की, जिन्होंने 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। ये टेनिस प्लेयर है, ये 2023 का US ओपन टाइटल था जो इन्होंने जीता, पर ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टेनिस टाइटल जो है हिस्ट्री के इनके नाम पर आ गए हैं। आगे बात करते हैं SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप की, ये भी इंडिया ने जीती, किसको हराकर, बांग्लादेश को हराकर। ये मैच हुआ था भूटान के थिम्पू में। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप 2023, ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। ये यहाँ पर इंडिया की जो एलावेनिल वलारिवन थी, जिनकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये एक शूटिंग चैंपियन शूटिंग का वर्ल्ड कप था। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की, जिन्होंने रिसेंटली किसको ऑनर किया है, लियांडर पेस को। ये पहले एशियन मैन है जो कि नॉमिनेट हुए हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द प्लेयर कैटेगरी में। आगे है इप्सा ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ये अभी रिसेंट ये आगे ऑर्गेनाइज किया करेंगे यूनाइटेड स्पोर्ट्स सेंटर, कहां पर, कोची में, इंडिया में। ये हो रहा है 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। यहां पर अलग अलग देशों की टीम्स आएंगी पार्टिसिपेट करने, जैसे कोस्टारिका, चिली, पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस, इजिप्ट एटसेट्रा। इसके बाद है हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी एक लॉर्ड शिवा के थीम पर बेस्ड क्रिकेट स्टेडियम का नींव पत्थर रखेंगे। ये इसका जो फ्लड लाइट्स है वो भी त्रिशूल के डिजाइन की होंगी। हम लॉर्ड भगवान शिव जी के डमरू के शेप में लाउंज बनाया जाएगा। तो ये जो स्टेडियम है कहाँ पर बनेगा, यूपी के वाराणसी में, तो ये ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड ब्रिक्स में ये किसको मिला, तेलंगाना की चीफ इनोवेशन ऑफिसर शांता थाउतम जी को। ये ब्रिक्स की इनोवेशन फॉरम हुई थी कहां पर, रशिया के मॉस्को में, वहां पर ये उनको अवार्ड मिला था। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड की। ये मिला है पीवी सत्यनारायण जी को, जो की एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में। ये उनको मिला है हाई यील्डिंग राइस वैरायटीज को डेवलप करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, जहां पर चार रेसिपिएंट हैं। एक है रवि कनन आर, ये इंडिया के हैं, हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर का मिला है। देन है यूगेनियो लिमोज, इनको मिला है फूड सॉवरेनिटी के लिए, ये तिमोर लेस्ते से हैं। देन है मिरियम क्लोनल फेरर, इनको मिला है वुमेन पीस बिल्डिंग पायनियर के लिए। इनके बाद ये फिलीपींस से हैं। इनके बाद मिला है कौरवी रक्षांत को, ये बांग्लादेश की हैं। ये वेमेन मैग्सेसे अवार्डिंग है, किसके लिए मिला है इनको भी जो ये अवार्ड है, एक मिनट में आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, ये मिला है उनकी जो इन्होंने बांग्लादेश में लीडरशिप स्किल्स जो है वो की है। ये जो रवि कनन जी है, इंडिया के ऑन्कोलॉजिस्ट है, असम के कच्चर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। देन बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड की। ये मिला है उड़िया की साइंटिस्ट स्वाति नायक जी को, इनकी पिक्चर देख सकते हो। ये तीसरी भारतीय है ये अवार्ड जिनको मिलेगा, और उड़ीसा से पहली है। आगे बात करते हैं, अभी रिसेंटली फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत के कर्नाटका के बेंगलुरु में, और एशिया में है होने वाली ये पहली कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले कोई भी कॉफी कॉन्फ्रेंस एशिया में नहीं हुई है। देन ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि मिला है वहीदा रहमान जी को, क्यों मिला है, जो भी इन्होंने इंडियन सिनेमा में कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके लिए। डिफेंस एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले भारत ड्रोन शक्ति 2023 जो कि इंडिया की एयरफोर्स होस्ट करेंगी, कहां पर होगा, हिंडन एयरबेस है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। देन है एक्सरसाइज त्रिशूल, इंडियन एयरफोर्स जो है अपनी एनुअल मेगा ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल जो है वो कंडक्ट कर रही है। ये कश्मीर के ले से लेकर राजस्थान के नल तक वहां तक होगा। देन है एक्सरसाइज वरुण, ये बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में, अरेबियन सी वाले एरिया में होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अरेबियन सी इंडिया के वेस्टर्न साइड में ही। देन है सिम्बेक्स, ये इंडिया और सिंगापुर की नेवीज के बीच में होती है, इस बार सिंगापुर में हो रही है। यहाँ पर इंडिया की नेवल शिप से रणविजय एंड कावरत्ती पार्टिसिपेट करेंगी, और INS सिंधु केसरी। इसके बाद है इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस, ये जो है एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है जहां पर अलग 35 देशों के लोग आएंगे। कहां पर होगी, न्यू दिल्ली में। थीम क्या है, टुगेदर फॉर पीस सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसके बाद है SX-01 एक्सरसाइज, ये क्या है, SX-01 नाटूना एक्सरसाइज साउथ चाइना सी के नाटूना आइलैंड्स में हो रही है, जहां पर सभी आसियन मेंबर कंट्रीज के मिलिट्री पर्सोनल जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, ये साउथ चाइना सी में वहां पर इसकी लोकेशन है। देन ऑपरेशन सजग, ये क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड का है, ये वेस्ट कोस्ट में उन्होंने कंडक्ट किया था, जहां पर भी कस्टम्स मरीन पुलिस पोर्ट इंडियन नेवी सबने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, इंडिया US की आर्मी एक्सरसाइज है, ये USA के अलास्का में हो रही है। इसके बाद है ADMM प्लस EWG ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो कि एक मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन होस्ट कर रहा है, रशिया, और म्यांमार इसको को चेयर कर रहा है। इसमें भी इंडिया की आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है, 25 से 30 सितंबर में ये हुई है। देन है मिसलेनियस न्यूज, सबसे पहले है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चाचा चौधरी और जो चुनावी दंगल की कॉमिक बुक्स है इनको इंट्रोड्यूस किया है प्राण कॉमिक्स के साथ कोलेबोरेट करके, सो दैट जो यंग वोटर्स उनको मोटिवेट किया जाए, एजुकेट किया जाए वोट करने के लिए। इसके बाद है UPAG पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने डेवलप किया, नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद जी ने लॉन्च किया। इसका क्या एम है, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को जितने भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उसको एड्रेस करना है। इसके बाद है ऑपरेशन पोलो के, रिसेंटली 75th एनिवर्सरी हुई, ये क्यों हुआ था, हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए 13 सितंबर 1948 को हुआ था, जिसकी अभी 75th एनिवर्सरी हुई है। देन है मीटा जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक इंस्टाग्राम की, उन्होंने जो हमारी कंट्री के 5 लाख इंडियंस को डिजी मार्केटिंग में ट्रेनिंग देने के लिए कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है किसने, कौन सी कंपनी ने किया है। इसके बाद है गूगल ने बोला है कि वो इंडिया में एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम एक लॉन्च करेंगे, जिससे क्या होगा अर्थक्वेक कोई भूकंप वगैरह आएगा उसका अलर्ट सिस्टम और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और ज्यादा हम लोगों को सेव कर पाएंगे, नुकसान को कम कर सकेंगे। देन है इंडिया के एक 32 ईयर ओल्ड जो है इंसान सुनील कुमार जी, ये पहले इंडियन क्लाइंबर बने हैं जिन्होंने दुनिया की 8th हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट मनालसू पर जो है वो पहुंच गए हैं। माउंट मनालसू कहाँ पर है, नेपाल में है। इसकी मैं आपको यहाँ पर लोकेशन भी दिखाती हूँ, ये है माउंट मनालसू नेपाल में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है इंडिया ने ऑस्कर्स 2024 के लिए अपनी ऑफिशियल एंट्री दे दी गई है, जो कि मूवी 2018 ये केरला फ्लड्स के बेस्ड पर है कि केरला में जब फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी, वहां पर जो लोग बचे थे उनके जीवन पर ये मूवी है। देन है नॉवल वेस्टर्न लेन की जो ऑथर है चेतना मारू, उनकी उनको नॉमिनेट किया गया है उनकी नॉवल को किसके लिए, बुकर प्राइज 2023 के लिए। तो ये नॉवल किसके कौन ऑथर है ये ध्यान रखना है क्योंकि न्यूज में है। इसके बाद ऑबिचुरीज देखते हैं। सबसे पहले है एन वलर मती जी। अभी चंद्रयान जब लॉन्च हुआ था तो आपने काउंटडाउन सुना होगा 10, 9, 8, 7, तो उनकी आवाज इनकी थी, एन वलर मती जी की। ये इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि पहली ऐसी लेडी हैं, पहले ऐसे इंसान हैं जिनको अब्दुल कलाम अवार्ड भी मिला था, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने जो दिया था। ये इंडिया के पहला जो चंद्रयान 3 जो लूनर मिशन इंडिया को उनकी वॉइस भी थी। इन्होंने इससे पहले भी इसरो के काफी मिशंस पर काम किया है। देन है डेनिस ऑस्टिन जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के दो क्रिएटर्स में से एक थे। इन्होंने 1987 में पावर पॉइंट पर जो क्रिएट किया था रॉबर्ट गैस्किंस के साथ मिलकर। देन है उस्ताद अली जाकी हैदर, ये जो रुद्र वीना एक्सपोनेंट थे, ये कौन से घराने से बिलोंग करते थे, जयपुर बीनकर घराना द्रुपद का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन है मालिनी राजुरकर, ये टप्पा ट्राना जो स्टाइल होता है म्यूजिक का, उसमें एक्सपोनेंट थी हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक की, तो ये भी आप उन्होंने इनका पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है, काफी फेमस थी ये भी। देन है इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के जो आर्किटेक्ट थे MS स्वामीनाथन जी, जिनके नाम पर अवार्ड भी हमने अभी डिस्कस किया, ही पास्ट अवे। इन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए, एक आर्किटेक्ट था, इन्हीं का ये काम था कि भारत में जब गेहूं और चावल की जो यील्ड थी इनकी जो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उसके पीछे ये थे। देन है जियोर्जियो नापोलितानो, ये क्या थे, इटली के प्रेसिडेंट रहे हैं काफी लंबा टाइम और ये इटली की हिस्ट्री में भी काफी फेमस पर्सनैलिटी थे। देन है सरोजा वैद्यनाथन जी जो कि भरतनाट्यम डांसर थी, बहुत फेमस। भरतनाट्यम क्या है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है जिसका ओरिजिन हम भारत मुनि की नाट्य शास्त्र से ट्रेस करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया 1 से 7 सितंबर को। इसका इस बार का थीम था इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय न्यूट्रिशन। देन है इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2 सितंबर को मनाया गया है। इस पर वैसे ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो गिद्ध होते हैं वल्चर्स उनकी कंजर्वेशन के लिए। देन है नेशनल टीचर्स डे जो 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन। इसके बाद है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये 10 सितंबर को मनाया जाता है, WHO इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन USA के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इस बार का इसका थीम था क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। देन है यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2023 12 सितंबर को मनाया जाता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की अवेयरनेस को रेज करने के लिए इस बार का थीम था सॉलिडेरिटी इक्विटी एंड पार्टनरशिप अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके बाद हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इस दिन जो 1949 को अडॉप्ट किया गया था। देन है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है। UN जनरल असेंबली ने 15 सितंबर को 2007 में इस डे को बनाया था। इस बार का थीम था एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। देन है इंजीनियर्स डे, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। M विश्वेश्वरैया जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। इसका थीम था इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके बाद वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को
इस बार का थीम था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अल्जाइमर क्या ब्रेन रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें धीरे धीरे इंसान की मेमोरी चली जाती है। देन है वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को। इसमें पांचों टाइप की जो राइनो की स्पीशीज थी हमने अभी देखी, ब्लैक व्हाइट ग्रेटर वन हॉर्न सुमात्रन जावन, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। देन है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ, ये 18 से 24 सितंबर को मनाया जाता है। जो डेफ लोग हैं उनको ऑनर, उनके जो भी चैलेंजेस हैं उनके बारे में इस बार का थीम था बिल्डिंग इंक्लूसिव डेफ कम्युनिटीज। देन है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 2023, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन डे ये भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे का जो थीम था इस बार का था ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। देन है वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है वर्ल्ड रेबीज डे। वर्ल्ड रेबीज क्या होती है, जो रेबी जो डॉग के काटने से होती है ये मनाया जाता है। जो रेबीज का जिन्होंने वैक्सीन क्रिएट किया था लुई पेस्टर, उनको ऑनर करने के लिए। देन है वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को। इसका इस बार का थीम था यूज हार्ट नो हार्ट। देन है 30 सितंबर इसे इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, उन लोगों को ऑनर किया जाता है जो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की तरह काम करते हैं, इनका कितनी इंपॉर्टेंस है। इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बाकी के जो है आप सोशल मीडिया हैंडल्स है इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस।